तो गई अभी 11 बजे का टाइम पहले है, जो खाया था ना मैंने बना दिया। अभी 11 बज रही हैं और अभी हो रहा है नाश्ता। नाश्ते में बनाए हैं प्राप्ति ने पास्ता। तो आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, नाश्ता कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हम इस तरीके से दाल बनाएंगे तो हो जाएंगे बीमार। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपनों को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो दाल को सही तरीके से बनाने का तरीका जान लेते हैं। तो आइए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस वजह से जो है दाल खाने से बीमारियाँ हो सकती है। देखिए मसूर दाल मैंने यहाँ पे बॉईल कर ली। दाल मैंने थोड़ी सी ली है एक आदमी के लिए, इसलिए इसमें थोड़ा सा निकला। लेकिन कोई भी दाल जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें हम कुकर में एकदम से सीटी ना लगाएं, एक उबाल आने तक हम इसको ऐसे खुले में पकाएं, चाहे कोई भी दाल हो। तो मैंने यहाँ पे मसूर दाल जो है बॉईल कर ली है और एक मूठ सिर्फ दाल है ये। और इसमें देखिए कितना जो ऊपर दिख रहा है ना झाग झाग सा, तो ये होता है खतरनाक, इससे होती हैं बीमारियां। यूरिक एसिड बढ़ता है और जोड़ों का जो दर्द होता है इसी वजह से होता है। कई बार डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि दालों का सेवन ना करें। तो अगर हम इसको निकाल दें, जो भी वाइट सा निकलता है ना, तो दाल खाने से कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके बाद कुकर में सीटी लगा सकते हैं, चाहे कोई भी दाल हो। तो इससे जो है ना बहुत ख़तरनाक बीमारी हो सकती है जोड़ों का। आजकल हर किसी को देखो जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो इसी की वजह से होता है। तो ये मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया, हमेशा मैं ऐसे ही निकालती हूँ। लेकिन पहले नहीं निकालती थी जब मुझे जानकारी नहीं थी, अब मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और इसके बाद इसमें सीटी लगा लूँगी। और अब देखिए एकदम साफ पानी सा दिख रहा है ना, जितना भी वाइट वाइट सा था मैंने निकाल दिया। तो मैंने कहा मुझे पहले जानकारी नहीं थी, अब जानकारी है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं होती जानकारी, तो सोचा मैं दाल बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती। देखिए मैंने डाल दिया सिंक में और अभी भी ये अलग नहीं हो रहा है, मतलब इकट्ठा सा हो रखा है। पता नहीं कुछ निकलता है दालों से वाइट वाइट सा। तो यहाँ पर मैंने दाल को फ्राई करने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो उसके बाद मैं आ गई थी सेट पे जहाँ हमारा काम चल रहा है। तो इधर आ गई थी फाइनली मिस्त्री, जो कि ये मार्बल लगाने वाले, और यहाँ पे काम स्टार्ट भी हो गया था। और ऊपर के फ्लोर पे हो रहे है प्लास्टर का काम, तो ऊपर नीचे दोनों जगह मुझे बार बार देखने जाना पड़ता है कि ऊपर कैसे हो रहा काम, नीचे कैसे हो रहा। मतलब कहीं पे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो थोड़ा बता लो कि इसको सही करो, कहाँ कहीं पे नहीं भी आता है। और ऐसे ही भागा दौड़ी होती रहती है। तो यहाँ पे मार्बल लगना स्टार्ट हो गया था। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे वीडियो बना ली है। और सच में यहाँ से वहाँ उतनी दूर सेट पे जाओ, भले इतनी दूर नहीं है पास में ही है, लेकिन फिर भी ना पूरे दिन भर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। फिर वहाँ भी ऊपर भी काम चल रहा, नीचे भी कई बार सीढ़ियों में ऊपर नीचे ना, सच में पूछिए मत, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और जो ये ड्राइंग रूम है जहाँ पे मार्बल लग रहे हैं, जो इसमें कुछ डिजाइन कर रखा है, तो वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, हल्का सा दिख रहा है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए अभी मैं ऊपर आ गई थी और यहाँ पे बैठ गई थी मैं जीने पे थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ पे बता रही थी, देखिए नीचे की सीढ़ी से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इतने ऊपर तक जो है ना तराई करने के लिए जाना पड़ता है। एक दो बार तो चलो, लेकिन कई बार जाना पड़ता है ना, सच में कुछ भी काम नहीं होता वहाँ। काम मैं थोड़ी करती हूँ, लेकिन इतना ऊपर नीचे ना चल चल के ही मुझे इतनी थकान हो जाती है। देखिए कितनी बार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, कभी नीचे जाके नल बंद करो, कभी नल खोलो, फिर ऊपर नीचे ऐसे राउंड लगाते रहो। तो इतने में गाइस थकान हो जाती है, और वहाँ से आने के बाद ना घर में कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए मैं बहुत कम आप लोगों की वीडियो पे आ पाती हूँ, बहुत कम। कभी कभी ना 2-3 दिन हो जाते हैं मैं यूट्यूब खोलती हूँ, मोबाइल खोलती हूँ, इतना मतलब बिजी वर्क हो जाता है मेरा।